हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लास्ट वीडियो है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बचे हैं और साइंस दोनों सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, फंगस यहाँ से हमको करना था। तो बैक्टीरिया हम करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया से नहीं होती है मलेरिया? टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटेनस। तो मलेरिया ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। निम्न से कौन जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऊनी चटाई, चांदी का पत्थर, चमड़े का बैग या जूट की टोकरी? तो चांदी का पत्थर। निम्नलिखित कवकों में से कौन सा एक खाया जाता है? पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोपस, मार्केला? तो यह मार्केला। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? विषाणु से होता है हैजा, डिप्थीरिया, मलेरिया? ये तो ये होता है डिप्थीरिया। तो सॉरी, यकृत सोर है, डिप्थीरिया तो बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो वो दालों के साथ, मतलब तो जितने भी दाल वाले फल पौधे होते हैं उनके साथ। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता पाया जाता है? तो कथन सही है, कारण गलत है। तो जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है? नहीं पाया जाता। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है, तो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, खुर्दबीन मतलब माइक्रोस्कोप। और सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित और मृत की रेखा पर परे होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा के रेखा पर परे होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की जिम्मे रेखा पर परे होते हैं। तो ऊपर इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो यह होता है क्लोस्ट्रीडियम से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक? क्रायोसोफा, माहो नियंत्रण, बायो 902, सरसों का सोमा क्लोन, जो बैक्टीरिया जैव कीटनाशी? तो यह है गलत, तो ये कीटनाशी नहीं है। ये जो बैक्टीरिया जीवाणु शैवाल तथा कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसे उर्वरक रूप में बदलते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो वह है साइनोबैक्टीरिया। प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया किसकी आवश्यकता होती थी? जिसमें जीवाणुओं की आवश्यकता होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है विषाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार है? तो वह होता है वेरियोला। वायरसों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ये वे माप में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वह है लाइकेन। ये लाइकेन वाला क्वेश्चन वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है, कई बार पूछा गया है। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है सैक्रोमाइसिडीज सेरेवेसी। और एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है, तो वह होता है सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट है एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, तो वह होता है यीस्ट। यीस्ट इससे शराब बनाया जाता है, मतलब इसका यूज किया जाता है फ्रेगमेंटेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो नोस्टाक है, एनाबीना भी है, एजोबैक्टर भी है, लेकिन माइकोराइजा नहीं है। मिसलेनियस करेंगे। तो पैरासीटामॉल किसके लिए यूज होता है? तो ये कैसा है आपको पता होगा, पैरासीटामॉल। सीटामॉल ये होता है दर्द निवारक की दवा। टैक्सोल क्या होता है? टैक्सोल होता है कैंसर रोधी। ग्रेफाइट होता है स्नेहक। और विटामिन ई होता है खाद्य परिरक्षक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मिलित नहीं है? इंसुलिन, हार्मोन्स है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है, रबर है, प्राकृतिक बहुलक, नाइट्रोसेलुलोज है, विस्फोटक? तो रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये प्राकृतिक बहुलक है। रेयान है सेलुलोज। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर के उत्पादन को। चावल की पॉलिश में प्रचुरता में पाया जाता है लैक्टोफिलामिन, रेसिफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो पाया जाता है एविरिन, विटामिन B1।
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग आता है? एजोला, न्यू हरी सवाल, अल्फा अल्फा नाइट्रीन। तो देखिए अल्फा अल्फा नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। ऑप्शन 2, 4। निम्न वृक्षों में से किसका वृक्षारोपण उचित नहीं माना जाता है क्योंकि वह एलर्जी वृक्ष हो सकता है, वृक्ष हो सकता है? तो है गुलमोहर। 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नांकित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था? तो वह सोमालिया में। नेक्स्ट है ये, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता? तो नहीं रहता एट्रोपिन, नहीं रहता, बाकी थीन, थियोब्रोमिन और थियोफिरिन होता है। निम्न हार्मोन्स में से कौन सा एक मूत्र से गर्भाधारण परीक्षण का आधार होता है? तो HCG होता है। और ठीक है, मेमोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंडोस्कोप, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? तो किससे क्या किया जाए? देखिए मेमोग्राफी से होता है, ये होता है स्तन की जांच, मतलब जो भी है मेमो स्टडी, क्या है ये, मतलब रिलेटेड है। चलिए, और ये जो है, ये 1 सेकेंड, और एंजियोग्राफी होता है रुधिर वाहिकाओं से, एंडोस्कोप जो होता है वो होता है मलाशय से, और अल्ट्रासोनोग्राफी होती है गर्भाशय की। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये है मोंट्यूस है, एलिसा है, क्या लिखा गया है? तो मीठी जाता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मोंट्यूस टेस्ट होता है तपेदिक, जब आपको होता है तब मोंट्यूस टेस्ट होता है, एलिसा एड्स टेस्ट होता है, और विडाल होता है टाइफाइड के लिए, और टर्निक्यूट होता है डेंगू बुखार के लिए। याद कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन कई बार है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, 1 दिसंबर को, 14 जनवरी, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। जैविक सेवन है तो यह कृत्रिम हृदय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गन कार्टन है? तो सेलुलोज नाइट्रेट। देखिए अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, प्रकाश रासायनिक धुंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण होता है क्लोरोफ्लोर कार्बन से, रेशम का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन। लाख है रेजिन। और निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिकल, और 2,4-D है तो यह है खरपतवार नाशी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है? तो वह है हड्डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो वह ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, उपर सभी के सभी। मनुष्य की आंतों में उपस्थित लाभदायक परजीवी प्रोटोजोआ है, इसको बोलते हैं एक्सेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। निम्नलिखित में से किस उद्योग में रेनिन का उपयोग किया जाता है? तो यह पनीर में किया जाता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। पतला रेशम कौन बनाता है? तो मकड़ी बनाती है। नेक्स्ट है, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम, और यह मिलान करना है। हरित पादप है तो हरित पादप होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, पशु परजीवी होते हैं ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और पादप परजीवी होते हैं, पादप परजीवी, एक मिनट, हरित पादप प्रत जो है कहाँ चला गया, एक मिनट, क्या, सॉरी, हरित पादप तो प्रोड्यूसर होते हैं ना उत्पादक, पशु परजीवी क्या है, ये है द्वितीयक उपभोक्ता, और पादप है क्या है, पादप परजीवी मतलब पे पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं, प्राथमिक होते हैं ये, और कवक होते हैं अपघटक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व तो संवर्धन घटना है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, दांत कर्बोहित हो जाते हैं जब पेय जल में प्रचुर मात्रा में रहती है, तो फ्लोराइड। और पर्वतारोही की नक्सीट फूटने का सामान्य कारण होता है वायुमंडलीय दाब का घट जाना, और यह मिलान करना है बायोगैस है, तो बायोगैस जो होती है कौन सा सुमेलित बताना है, तो बायोगैस कीटनाशी थोड़ी ना होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार के लिए टेस्ट होता है, डी टी डी
डीडीटी गोबर गलत है, कीटनाशी है, और ये बायोगैस गोबर, इससे मिलान करते हैं तो सही हो जाता है ये। और कि निकोटिन तंबाकू में पाया जाता है, तो 2 4 सही है केवल, ऑप्शन डी। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। और है एमनियोसेंटेसिस, एक तरीका है जो बताता है, तो बताता है भ्रूण के लिंग को। और हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कैसा, कितना होता है, तो 5 माइक्रोन से कम। ये है किसका सुमेल नहीं है, तो स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी विबंधक होते हैं, तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता, गलत है ये। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रीन प्लैनेट है। और शहतूत शॉल बनाई जाती है, तो चीरू के बालों से। तो निम्नलिखित कथन में से दिए गुट का जो है क्या करना है, गुट के सही उत्तर चुनना। सभी पक्षी उड़ते हैं, क्या सभी पक्षी उड़ते हैं, जरूरी नहीं है सभी पक्षी उड़ते हैं, कुछ पक्षी नहीं उड़ते हैं, शुतुरमुर्ग उतना नहीं उड़ता है, पेंगुइन भी तो नहीं है, और रेशम शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं, तो सही है। सभी सर विषैले होते हैं, तो गलत है, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है, तो इसमें दूसरा सही है केवल, बाकी सब गलत है। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, नहीं, बहुत सारे जैसे लैक्टोबैसिलस से बैक्टीरिया दही में पाई जाती है जो कि फायदेमंद होती है। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं, तो ये भी गलत है, तो केवल एक सही है कि रेशम शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद है। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस पर। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं, तो ये होते हैं 780 नैनोमीटर द्रव्यमान के लिए। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो वह धूल बरूथी। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। लेसर बीमा का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। बीटा ऑक्सीकरण उपापचय होता है, तो होता है इंसुलिन। और वसी अम्ल ऑक्सीकरण होता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। और क्रिएटिन होता है बालों में, लिपेरिन होता है प्रति स्कंदी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सुमेलित है, नीचे दिए गुट से उत्तर का चुनाव करें, तो ये है जेंटामाइसिन होता है एंटीबायोटिक्स, सही है। एक्रीफ्लेविन होता है प्रतिरोधी, ये भी सही है। सल्फोनर गलत है, निश्चित नहीं होता है। फिनेस्टिटिन प्रतिरोधी होता है, ये सही है, ऑप्शन हो जाएगा। ओ सॉरी, ये सल्फोनर वाला सही है, ये गलत है, चौथा ऑप्शन 1 2 3 होगा, देख लीजिए एक बार। रियान को एक सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, रियान रूपांतरित स्टार्च है, तो सेलुलोज है, स्टार्च नहीं है, ये गलत हो जाएगा, याद रखिए यही क्वेश्चन बहकाएगा, ये बोल देगा स्टार्च है, लेकिन आप याद रखना सेलुलोज है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो इसको गोशामर कहते हैं, सॉरी। वैज्ञानिक का नाम है, मिलान करना है। बीरबल साहनी है जीवाश्म वनस्पति से, और केसी मेहता है पादप रोग विज्ञान, और बी महेश्वरी है ये है भूड़ विज्ञान से, और एस एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से, ऑप्शन हो जाएगा बी। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि क्योंकि श्वसन ह्रास करता है। ऑक्सीजन युक्त तो प्रकाशपोषी होता है जीव है, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव में, प्रकाश संश्लेषित जीव है, केवल प्रकाश में ही श्वसन लेते हैं, तो गलत है। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन का स्थिर रूप, और एनामॉक्स है नाइट्रेट का गैसीय रूप, नाइट्रोजन रूपांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोज रेशे का उदाहरण है, तो वह है नायलॉन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया, तो इसको अल्फा नाम दिया गया। गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण होता है कैल्शियम की कमी। निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठा शर्करा है, तो वह फ्रक्टोज।
निम्नलिखित में से कौन वनस्पति कीटनाशक है? तो वह रोटेनोन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो वो किया 5। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के संस्थापक कौन है? तो अनिल अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सी फसल डायमंड बैक मोथ द्वारा प्रभावित होती है? तो है बंद गोभी। हींग प्राप्त की जाती है तो तने के स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन है, हार्मोन एस्पार्टेम है, व संश्लेषित मदुरक नियोप्रीन है, विशिष्ट रबर रेयान रूपांतरित स्टार। देखिए फिर से आ गया, ये सेलुलोज है, स्टार्च नहीं। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों की उनकी स्थापना के कालन क्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये कोलकाता, कोलकाता पहले होगा, फिर शिमला, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा डी। कोलकाता बना था 1875 में मुख्यालय, 1905 में बना था शिमला, 1928 में पुणे, 1944 में दिल्ली। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है, फल शर्करा। शहद के प्रमुख घटक निम्नवत है, फ्रक्टोज में 38.2% और ग्लूकोज में 31.3%, जल में है 17.2%, 7.1% माल्टोज, सुक्रोज है 1.3%। कैफीन छारा उपस्थित रहता है तो चाय और कॉफी दोनों में। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने उपयोगी होते हैं? तो वह है मधुमक्खी। कोलेस्ट्रॉल है स्टेरॉयड, और औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट के बने होते हैं तो वे मंड के बने होते हैं। नेक्स्ट है कॉपर टी का सामान्य दुष्प्रभाव ये होता है रक्तस्राव। और निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह है पायरेथ्रम। निम्नलिखित में बेमेल चयन कीजिए, तो बेलियम है, बार्टिट्यूरस है, अफीम है। तो बेलियम अलग है, बाकी बार्टिट्यूरेट, अफीम, कोकीन ये सब नशीले हैं। आयोडीन प्राप्त होता है तो लैमिनेरिया से। और शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरीड़ों को नष्ट कर सकते हैं। कारण है अपतरीड़ एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अशोषित होते हैं। कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए कथन कारण सही, व्याख्या भी सही है। संकल्प परियोजना किसके अनुमोलन संबंधित है? तो यह एचआईवी के से। निम्नलिखित में से कौन प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो यह HIV 1C। और रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है तो यह एड्स हेतु जागरूकता का। निम्नलिखित कार्बन पदार्थों में से कौन सी प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता पाया जाता है? तो वह है सेलुलोज। क्लिंथर थ्योरी का संबंध निम्न से किस घटना से है? तो यह है काल प्रभावन से। विचार कीजिए। तो चलिए पहले जो है क्या दिवस के हिसाब से है, पहला कौन सा आता है? देखिए कुष्ठ रोग दिवस आता है 30 जनवरी को मनाया जाता है, अल्जाइमर का मनाया जाता है, उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस से जो है 7 अप्रैल को, कुष्ठ रोग 30 जनवरी को, ये 30 जनवरी हो गया, ये 7 अप्रैल हो गया, और विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया, उसके बाद 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर, ये क्या है 21 सितंबर, 21 सितंबर, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो जनवरी में स्टार्ट हुआ कुष्ठ रोग, तो ये हो गया, अप्रैल में हुआ विश्व स्वास्थ्य दिवस, 2 हो गया, पहले अल्जाइमर है 21 सितंबर, और उसके बाद है एड्स दिवस 1 दिसंबर, तो हो जाएगा डी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई वॉलॉग। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। बात सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है स्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है तो ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रेशम तंतु रोम पिच्छ नख तथा नखर निर्मित होते हैं तो केराटिन से। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम है प्रोटीन। ठीक है देखिए ब्राह्मी का यूज होता है मस्तिष्क स्फूर्तिदायक, सदाबहार मधुमेह प्रतिरोधी है, पुदीना वाथर है, जो तुलसी है कापोसार। यह है शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जीन थेरेपी होता है रक्त लोगों के उपचार में। क्रायोनिक्स क्या होता है? यह होता है पुनर्जीवित करने है तो जीवित पिंडों को जमना, और कोबाल्ट होता है कैंसर के उपचार में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ये हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंजाइम क्या है? एंजाइम है लाइपेज। फास्फोलिपिड है पॉलीथीन का। हाँ
ये पॉलीथीन है, बहुलक है पॉलीथीन ना, तो आप समझ जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, तो यह नई दिल्ली में। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन्स, कोडीन है बेहोशी की जड़, कुछुक क्या है, तो यह रबड़ के स्रोत का पदार्थ है, यूजेनॉल है लौंग का सुगंधित तेल, ऑप्शन ए। और ये है क्षुधा तीस है, यह है बच्छड़ विकार, कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह है अंडपीतक, एस्ट्रोपिन क्या है, तो यह एल्केलॉयड, इंसुलिन है अग्नाशय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं है, कोशिका या नियंत्रण कक्ष केंद्र, प्राकृतिक रबर, पॉलीआइसोप्रीन, क्रायोलाइट है, एल्युमिनियम फ्लास्क, रोगाणु रोधी, फेनोफ्लेथिक, गलत है ये, फेनोफ्लेथिक रोगाणु रोधक नहीं है, ये केंद्र कोशिका का नियंत्रण कक्ष, पॉलीआइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर तथा क्रायोलाइट बॉक्साइट, देख लीजिए। एंथ्रैक्स है एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है, थैलेसेमिया है तोसी जीन्स उत्पन्न, सेरोगेसी है गर्भ की किरायेदारी, ट्रांजेनिक्स है जीनोम में परिवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये हो गया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, तो ये लखनऊ में है। और प्रकाश कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं बायो ल्यूमिनेसेंट। रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक परीक्षण किसने किया था, तो ये किया था एच.जे. मूलर ने। कौन सा एक सांप नहीं है, तो वाइपर सांप है, करेज भी सांप है, रैटल स्नेक भी है, ग्रास स्नेक सांप नहीं है। निम्नलिखित चलिए तो निम्नलिखित एक में सॉरी एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले किसी एंजाइम को कहते हैं, आइसोजाइम कहते हैं। जौ के लार में उपस्थित रक्त स्कंदन है, तो यह है हीरोडीन। स्तनधारी जल पीते हैं और इसे प्राप्त भी करते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है, तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। लैनोलिन मोम कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह जानवरों की त्वचा ग्रंथि से। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है, तो वह देता है रासायनिक संदीप्ति से। फॉसिल पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको पॉलियोबॉटनी कहते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो वह जीनकलगो। यह है मिलान करना है। रेशम कीट क्या है, रेशम कीट रेशम से बनता है। और लाख कीट क्या होते हैं, लाख कीट लाख, और चींटी है फार्मिकम्ब, और बिस्टर बीटर है कैथरीन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, जीवाश्मिक अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म का जीवाश्मिकी में। निम्नलिखित में से कौन सब सुमेलित नहीं है, 1 मिनट, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, यीस्ट है, किण्वन में यूज होता है, कैसीन, दूध प्रोटीन होता है, एलोवेरा आवृतबीजी होता है, घटपड़ी परजीवी आवृतबीजी है, तो ये गलत है, ये कीटभक्षी पौधा है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए, तो ये केवल नर रक्त चूसते हैं, तो गलत है, मादा रक्त चूसती है, और मादा पौधे का रस चूसती है, गलत है, मादा की अपेक्षा नर के डहने बड़े होते हैं, गलत है, नर की अपेक्षा मादा के रहने बड़े होते हैं, तो 2 और 5 सही है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन मिथेन गैस उत्सर्जित करता है, तो वह गो पशु दीमक धान के खेत सभी। ये है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जीव संबंधन एक पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। गर्भ शिशु में अनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण है, एमनियोसेंटेसिस सही है। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। सभी जीव में अंतर निर्मित समय पालक नियाकाय होता है, बायोमास, गलत है ये।
तो बायमास जीवभार को कहते हैं। सांपों की विष ग्रंथि दरअसल होती है ज्वार ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी दूध उत्पादित करता है, तो वह है कपोत कबूतर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है, तो वह है ऑस्ट्रिच। तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है मछलियों का। और यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है, जिसका कारण है ऑक्सीडेशन। झूठ का पता लगाने वाले पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो किसकी माप की जाती है, इसमें मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति की माप की जाती है। लाइनोलिन एक प्रकार का सिक्के जो मरहम बनाने प्रयुक्त होता है निकाला जाता है उनसे। छिले हुए आलू के चिप्स को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कड़ा हो जाता है, इसकी कारक क्रिया कहलाती है परासरण। निम्न व्यायामों में से किसी एक में सबसे अधिक ऊर्जा खपत होती है, तो यह सीढ़ी चढ़ने से। मर्जार रोदन समष्टि उत्पादन होता है, तो किससे होता है, विटामिन डी कमी से। कैट क्राई, कैट क्राई, एक मिनट देखिए, कैट क्राई पांचवें गुणसूत्र के विपथन से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली नहीं है, रेड फिश, कैट फिश, चाक फिश। तो जेली फिश ये वास्तविक मछली नहीं है, बाकी रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश मछली है। कि विस्कोक रेयान धागा बनाता है, तो सेलुलोज एंथ्रेट का। करनाल बंट रोग है, तो यह गेहूं फसल का। अब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन। यह उस उपग्रह की पहचान करें जो प्रक्षेपण असफल रहा, तो ये 1 और 3 मतलब INS। ये क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन ना हम करंट अफेयर में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कुछ देख लेते हैं जो अभी मतलब पहले के हैं। जैसे अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था, तो उसका नाम याद रखिए आर्यभट्ट था। ठीक है, ये सब करंट अफेयर से ही है, तो चलिए इसको हम करंट अफेयर में कर लेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो गया साइंस का भी, और बचा हुआ है आपका UPG के, और थोड़ा सा जिसमें इकोनॉमी कराएं, क्योंकि इकोनॉमी मैक्सिमम बजट से आते हैं, इकोनॉमी सर्वे से आते हैं, तो सब करंट अफेयर में हो जाएंगे। बाकी जो बाकी है हम इकोनॉमी का कर लेंगे, और सॉरी सेंसस से कर लेंगे, और जो भी चीज़ें रिपोर्ट वगैरह होंगी उनका भी कर लेंगे। तो बस खत्म हो जाएगा आपका, रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।